दादी माँ की बहुत ही आसान 25 बेस्ट किचन टिप्स बहुत ही कमाल के हैं, जरूर सुने। नंबर एक, छाछ में 1-2 चम्मच मक्के का आटा मिलाएं और पेस्ट तैयार करें। इसे अपने चेहरे पर लगाएं। इस पेस्ट को 10 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाएं और फिर ठंडे पानी से धो लें। नंबर दो, 2-2 बूंद घी अपने नाक में डालते हैं तो इससे आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी और आपका दिमाग भी तेज बनेगा। नंबर तीन, हफ्ते में 3 या 4 बार नीम की पत्तियों को उबालकर इसका पेस्ट बनाकर स्किन पर लगाएं। इससे स्किन मॉइस्चराइज होगी और झुर्रियां भी खत्म होंगी। नंबर चार, पनीर के साथ घी का सेवन भी हानिकारक माना जाता है। नंबर पांच, इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को बीमार और कमजोर करने वाले बैक्टीरिया और वायरस से बचाने में मदद करता है। संतरा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद कर सकता है। संतरा विटामिन सी जैसे जरूरी पोषक तत्वों से समृद्ध होता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम करता है। नंबर छह, भिंडी के सेवन से शरीर में रक्त संचरण बढ़ता है जिसके कारण आपके बालों से लेकर त्वचा तक तेज पूर्ण रहती है। नंबर सात, देसी घी को जरा सा गर्म करके उसमें चुटकी भर नमक मिलाकर ओठों पर मले, ओठों का फटना बंद हो जाएगा। नंबर आठ, ओट्स में आपको सबसे ज्यादा फाइबर मिलता है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल हमेशा नियंत्रित रहेगा। नंबर नौ, आंवले के टुकड़ों को नारियल तेल में मिलाकर गर्म करें और इसे गुनगुना करके बालों में लगाने से हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर होती है और गंजेपन से बचाव होता है। नंबर 10, बाल बढ़ेंगे दुगनी तेजी से। एक दही में 2 चम्मच नारियल तेल और एलोवेरा जेल मिलाकर बालों में लगाएं। 1 घंटे इंतजार के बाद बालों में शैम्पू कर लें। ऐसा हर हफ्ते करें। ऐसा करने से आपके बाल सिल्की, मजबूत और घने हो जाएंगे। नंबर 11, बाजरा खून बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें आयरन, अमीनो एसिड और प्रोटीन होता है। नंबर 12, बालों की कई लाइलाज बीमारियों को ठीक कर देता है यह छोटा सा आंवला। नंबर 1 है, आंवला के जूस में थोड़ा सा पानी मिलाकर बालों की जड़ों में मालिश करें। 15 मिनट बाद बालों को धो लें। इससे बालों की रुकी हुई ग्रोथ बढ़ती है। नंबर 2, 1 आंवला रोज खाने से मेलानिन तेजी से बढ़ता है और सफेद बालों की समस्याओं से निजात मिलती है। नंबर 3, आंवला को उबालकर मेहंदी में मिलाकर लगाने से बालों का झड़ना रुकता है और डैंड्रफ भी नहीं होती है। नंबर 4, आंवला, करी पत्ते, प्याज, मेथी को सरसों तेल में पकाकर हेयर मसाज करें। इससे बाल घने, काले, लंबे जल्दी होते हैं। नंबर 13, सीने में जलन होने पर गुड़ और जीरे का पानी पीना चाहिए। नंबर 14, आपके बालों में अगर ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं पहुंचता है तो आपके बाल झड़ना या गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आप हर 2 दिन में या हफ्ते में 2 से 3 बार भी अपने स्कैल्प में तेल से मालिश करते हैं तो आपके सर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होगा जिससे आपके बाल झड़ना अपने आप कम हो जाएंगे। नंबर 15, लहसुन के तेल में थोड़ी सी हींग और अजवाइन डालकर पकाकर लगाने से जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। नंबर 16,
मेथी कमर दर्द को दूर करने के लिए असरदार है। एक गिलास गर्म दूध में एक चम्मच मेथी का पाउडर और एक चम्मच शहद डालकर पिए। इससे कुछ ही देर में आपको कमर दर्द से राहत मिल जाएगी। नंबर 17। अनार में मौजूद पोषक तत्व हमारे रक्त धमनियों को साफ कर रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं। नंबर 18। हेयर ग्रोथ के लिए हेयर मास्क। स्केल्प पर एक बार एलोवेरा और दही के मिश्रण की सप्ताह में एक बार मालिश करने से बालों के रोम को मजबूत करने में मदद मिलती है। डैंड्रफ दूर होता है और बालों के विकास को बढ़ावा मिलता है। नंबर 19। नहाने के पानी में लोहे की कील या लोहे का छोटा सा टुकड़ा डालकर नहाने से शरीर में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होता, शनिदेव की कभी खराब दृष्टि नहीं पड़ती, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। नंबर 20। संतरा एसिडिटी को खत्म कर देता है। संतरे का छिलका विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। नंबर 21। अपनी उंगलियों पर थोड़ी सी दही लें और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। थोड़ी देर हल्के हल्के मालिश करें। अब इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर इसे पानी से धो लें। इससे आपका चेहरा चमक जाएगा। नंबर 22। चेहरे पर अगर आपके अनचाहे बाल हैं, तो इसे हटाने के लिए हल्दी, आटा और तिल के तेल को मिलाकर एक पेस्ट बनाएं। चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए इसका उपयोग करें। नंबर 23। नारियल पानी को चेहरे पर लगाने से स्किन चमकदार होती है। नंबर 24। विटामिन ई में एक छोटा चम्मच पेट्रोलियम जेली यानी कि वैसलीन मिलाकर कुछ हफ्ते रात में लगाने से आपकी एड़ियों में गजब का निखार आएगा और एड़ियां फटती भी नहीं है। नंबर 25। यदि चेहरे पर झाइयां ज्यादा है तो एलोवेरा जेल लगाएं, इससे आपको लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।